नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों आज छोटी होली है एंड मुंबई महाराष्ट्र में आज के सेशन में होली को मनाया जा रहा है, इसीलिए आज आपने हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज कहीं ना कहीं आप बंद देख रहे हो, चाहे वो NSE हो चाहे वो BSE हो। हालांकि मैं दिल्ली साइड में रहता हूँ तो वहां पे कल के सेशन में होली मनाई जाएगी, बट आज मैं आप सभी के साथ अपनी तरफ से दो ऐसी पिक शेयर कर रहा हूं जो मुझे लगता है यहां से अगले एक साल में आपका अच्छा पैसा बना के दे सकती हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टॉक्स को आपके साथ शेयर करता हूं एंड जो जो चीजें मुझे दिख पा रही हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले इस स्टॉक को मैं ऑलरेडी आपके साथ एक दो बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूं और वहां से अच्छे रिटर्न्स भी आए हैं, अभी फिर से मैं आप सभी के साथ शुभ अवसर पर शेयर कर रहा हूं। स्टॉक का नाम पहला है, ये एक IT कंपनी है और एक मिड कैप IT कंपनी है। स्टॉक का नाम है ऑर्क्लेव फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, ऑर्क्लेव फाइनेंस सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड भी आप इसे पढ़ सकते हैं, OFSS के कोड से आपको मिल जाएगा। इस शेयर का भाव अभी 3236 पे है, जब मैंने आपके साथ ये फर्स्ट टाइम रिकमेंड करा था या शेयर करा था आप कह सकते हैं, तब 3000 के भाव पर था ये स्टॉक। इस शेयर में यहां से आप अगर टाइम दे सकते हैं 2-3 साल तो 5000 के लेवल्स भी विजिबल है। अगर आपको भाई बहुत बड़ी बात कर रहा हूं तो आपके साथ मैं शेयर करता हूं डाटा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 3750 का इसका 52 वीक हाई आपको शो करेगा एंड अगर मैं इसका लाइफ टाइम हाई ओपन करने की कोशिश करूंगा, लाइफ टाइम का पिछले 2 साल पहले की मैं जाऊंगा, ज्यादा पुराना नहीं जाना चाहूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक 5000 रुपए ऑलमोस्ट हो गया है, 4800 का 2021 अक्टूबर का हाई है। तो स्टॉक पहले भी वहां जा चुका है, काफी बड़ी गिरावट हुई है, अभी गिर रहा है तो क्या खराब हो गया, बिल्कुल खराब नहीं है। एक शानदार मिड कैप IT कंपनी है विद 28,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ। अब स्टॉक की डिटेलिंग में आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मैं इसको क्यों पसंद करता हूं। पहला रीजन जो है वो है सबसे बड़ा इसका वैल्यूएशन, इसके वैल्यूएशन 15.5 के पीई पे स्टॉक ट्रेड करता है। इंडस्ट्री का पीई या फिर मिड कैप IT पीई आप देखें तो वो मिनिमम 24 का तो सबको मिल ही रहा है, ये 15 के पीई पे बहुत ज्यादा कंफर्ट दे रहा है। दूसरी बड़ी चीज मुझे जो इस स्टॉक में दिखती है वो है 6% की डिविडेंड यील्ड, यानी कि 6% पैसा तो मुझे एज अ डिविडेंड पर ईयर मिलना ही मिलना है, तो ये एक मुझे काफी अच्छी चीज दिखती है। प्राइस एक्शन ऊपर से काफी करेक्टेड है, वैल्यूएशन अच्छे हो रहे हैं, डिविडेंड यील्ड है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी 27.1% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 36% का है, बुक वैल्यू 745 की है, ऑलमोस्ट 4x 5x पे ट्रेड कर रहा है, तो कोई महंगा नहीं है, बहुत सस्ता स्टॉक दिखता है मुझे। अगर बात करें इस कंपनी के नंबर्स की तो इस क्वार्टर कंपनी ने 437 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है, लास्ट क्वार्टर 398 करोड़ का प्रॉफिट था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 42% के कंपनी क्लॉक करती है एंड ये लोअर है, अगर आप देखें लगभग जून क्वार्टर में 46% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे, तो शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। TTM बेसिस पे 1809 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी पोस्ट कर चुकी है। अब बात करें अगर इसकी बैलेंस शीट की तो कंपनी के पास लगभग 6,400 करोड़ के रिजर्व्स हैं, डेट की बात करें फ्री है, ऑलमोस्ट डेट फ्री, केवल 78 करोड़ के छोटे डेट है जिसके सामने लगभग 6400 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर 73% होल्ड करते हैं, FII 7.22% होल्ड करते हैं, DII 9.36% होल्ड करते हैं, पब्लिक के पास 10% का एक नॉमिनल एक छोटा सा स्टेक है। तो ये स्टॉक मुझे पहला जो स्टॉक है वो मुझे ये पसंद आता है जो काफी बढ़िया लगता है इन लेवल से। अब आते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ जो कि है एक लिकर स्टॉक जिसका नाम है ग्लोबस स्प्रिट। अब अगर ग्लोबस स्प्रिट्स लिमिटेड की बात करें तो पहली जो चीज सबसे पसंद आएगी आपको वो ये कि ये स्टॉक का जो पी है वो पूरी इंडस्ट्री से बहुत सस्ता है। इस शेयर का स्टॉक का पी जो है 18 के पी पे है, बाकी अगर आप देखें यूनाइटेड स्प्रिट 46, यूनाइटेड ब्रेवरीज 78, रेडिको खेतान 75, सूला विनेयार्ड्स 61, तो सारे के सारे ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ये स्टॉक आपको 18 के पी पे मिलता है। पहली चीज तो आपको सबसे अच्छी यही मिलेगी। ग्लोबल स्प्रिट्स लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड इन 1992 इज प्राइमरी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ इंडियन मेड इंडियन लिक्वर, इंडियन मेड फॉरन लिक्विड, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता है बल्क एल्कोहल हैंड सैनिटाइजर एंड फ्रेंचाइजी बॉटलिंग, इट हैज यूनिक 360 मॉडल स्ट्रेडलिंग, तो आपको इसके कारोबार को समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, लिक्वर में काम करता है एंड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
2435 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी 18 का है, स्टॉक का 1641 का है, जिसके सामने 845 पे ट्रेड कर रहा है। इसमें एमआईटी की भी बड़ी बाइंग है, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कस मैं आपके साथ शेयर करूं तो प्रमोटर्स 51%, एफआईआई 5%, डीआईआई 2.94%, पब्लिक के पास एक बड़ा स्टेक है 41% का, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी ये स्टॉक भी आप डेफिनेटली इन लेवल्स पे कहीं ना कहीं चाहे तो पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो यदि मेरी वीडियो, होप आपको ये स्टॉक्स पसंद और समझ दोनों आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।